नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं। असल में ना सिर्फ ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है बल्कि और भी कई सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स काफ़ी छोटा है और डिवाइस भी काफ़ी छोटा है, लेकिन फीचर्स काफ़ी सारे सपोर्ट करता है। ये एक कार्ड गिरा है इसमें से, ये कैशबैक कार्ड है जिसमें आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है और साथ ही में ये इसमें आपको 6 महीने की फ्री वारंटी मिलती है अगर आप 10 दिन के अंदर इसको रजिस्टर करते हैं, इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेते हैं तो। उसको साइड में रखते हैं और ये यूज़र मैनुअल इसमें दिया हुआ है जिसको आप पढ़ के देख सकते हैं कि ये डिवाइस किस इस तरह से काम करता है। इसको भी साइड में रखते हैं और ये है ये डिवाइस गो क्रस्ट का। छोटा सा डिवाइस है लेकिन है बड़े काम का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें ना सिर्फ ब्लूटूथ बल्कि और भी कई सारे फीचर्स को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं। एक जो पोर्ट है वो क्वालकॉम 3.0 फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और दूसरा मीडिया पोर्ट है, और साथ में आप इससे अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बगल में आप मेमोरी कार्ड को यूज़ करके आप अपने सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ 2 बटन दिए हुए हैं, एक है लाइट का। लाइट से मेरा मतलब है कि इसके आउटर साइड में आपको एक LED रिंग दी हुई है जिसमें आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग लाइट के। अभी मैं आपको प्ले करके बताऊंगा। और साथ में एक रेनबो कलर ऑप्शन भी मिलता है, इसमें 7 लाइट्स का कॉम्बिनेशन एक साथ जलता है। ये जो बटन है इससे आप डिवाइस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। अगर आप अपनी बैटरी बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो डिवाइस को ऑफ कर सकते हो। साथ ही मैं बैटरी से याद आया कि यहाँ एक LED डिस्प्ले अभी ऑन हुआ है तो आपको पता पड़ेगा। वो LED डिस्प्ले आपको बताता है अगर ये डिवाइस कनेक्टेड है, लगा हुआ है, कि आपकी बैटरी का जो वोल्टेज है, मतलब कि गाड़ी की जो बैटरी का वोल्टेज है वो कम है, ज़्यादा है या ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा होगा, ये ना सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल करता है बल्कि अगर आपका मोबाइल इस डिवाइस से कनेक्टेड है ब्लूटूथ के थ्रू और किसी का कॉल आता है तो आप इसको प्रेस करके उस कॉल को उठा सकते हैं। यहाँ पर जो माइक दिया हुआ है उसके थ्रू आप आराम से बात कर सकते हैं, काफ़ी क्लियर आवाज़ जाती है और सामने वाले की क्लियर आवाज़ आती भी है। और इस बटन को प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जो एंड्रॉयड यूज़र हैं या फिर एप्पल यूज़र हैं दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बगल में जो दोनों बटन दिए हुए हैं इससे आप सॉन्ग्स को नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग सुनना चाहें वो कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो बटन है लेफ्ट साइड वाला, इसको लॉन्ग प्रेस करके आप मोड चेंज कर सकते हैं, USB मोड, ब्लूटूथ मोड, जो भी आपको चाहिए। ये वाला लॉन्ग प्रेस करके आप FM मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस को मैं यहाँ पर लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ये लाइट इसकी ब्लिंक होने लगी है, रेनबो मोड में है। यहाँ पर मैं इसकी लाइट चेंज करता हूँ, ये ग्रीन कलर आ गया, रेड आ गया, ब्लू आ गया, येलो आ गया, पर्पल आ गया, वाइट आ गया, अलग अलग कलर ऑप्शन है। पीछे वाला बटन मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये डिवाइस स्विच ऑफ हो जाएगा। इसके बाद मैं कोई भी बटन प्रेस करूँ ये वापस से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी गाड़ी में सिर्फ स्पीकर होना चाहिए, बाकी सारा काम इंफोटेनमेंट सिस्टम का ये कर देता है। तो काफ़ी सस्ते में ये मिल जाता है। अगर आप इस डिवाइस को ख़रीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू जाके आप खरीद सकते हो। साथ ही में मैंने एक कूपन कोड दिया हुआ है AASY100, जिसको यूज़ करके आपको 100 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।